नमस्कार बच्चों, आज मैं कनक लक्ष्मी आप लोगों को हिंदी विषय में कक्षा सातवीं का एक पाठ लेकर आई हूँ। उस पाठ को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आप सभी बच्चे इस कोविड के दौरान घर पर बैठे हुए हैं और आप सभी का क्या अनुभव है इस कोविड के दौरान। तो मैं अगर किसी बच्चे से पूछती हूँ तो वो बच्चा कहेगा कि मेरा अनुभव यह है मैडम कि मैं अपने स्कूल को याद कर रहा हूँ, अपने जो पढ़ाई है उसके बारे में चिंतित हूँ और मैं यह याद कर रहा हूँ उस समय को जिस समय मैं अपने कक्षाओं में बैठ करके पढ़ता था रहा और उसके बाद ही अपने साथियों के साथ मैं खेला करता था, इसे वो याद कर रहा होगा। और दूसरे बच्चे से अगर मैं पूछती हूँ कि बेटे आपका क्या अनुभव है, तो वो बच्चा यही कहेगा कि मेरा अनुभव यह है मैडम कि मैं स्कूल की तरह ही अपने घर को मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे माता पिता जो है वो मुझे पढ़ने में मदद कर रहे हैं, मेरे सारे जो डाउट्स है सारी जो शंकाएं हैं उसे मेरे माता पिता जो है वो दूर कर रहे हैं और मैं अपने भाई के साथ घर पर खेल रहा हूँ, इसीलिए मेरा अनुभव यह है। तो अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग अनुभव होगा। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि मैं स्कूल जाता तो ठीक था, कोई बच्चे ये सोचेंगे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ लेकिन मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैं घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आज का पाठ भी यही है, अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव जो है ये एक कहानी है, ये संस्मरण है, जिससे संस्मरण उसे कहते हैं जो कभी घटित हो जाता है उसे हम बाद में याद करके उसको लिखते हैं, उसे कहा जाता है संस्मरण। इस पाठ को लिखा गया है तेत्सुको कुरियानागी। यह जो अपूर्व अनुभव है यह एक जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ का मैं एक सार बताती हूँ कि यह पाठ जो है एक बालक और बालिका उस पर लिखा गया है कि वो बच्चे कैसे खेल रहे होते हैं और उनके खेल में वो कैसे खेल खेलते हैं। उनका खेल ऐसा है कि जो रेल के डिब्बे हैं वो उनकी पाठशाला है और जो पेड़ हैं वो उनके गेट हैं और पेड़ की जो शाखाएं हैं वो शाखाएं उनका खेलने का स्थान है या खेलने का एक कोना है जहाँ पर वो खेलते हैं। तो यह कहानी हम पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद तोतोचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतोचान के माता पिता को था ना ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो क्या है, ये दोनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये जो तोतो चांद है वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। तो क्या है, तोमो जो है एक स्थान है, उस स्थान में हर एक बाग में जितने भी बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें से हर एक बच्चा अपनी पेड़ चुनता है और उसे वही अपनी संपत्ति मानता है। तो इसी तरह से उस बाग में जो है तोतो चांद का भी एक पेड़ था जो कि बहुत बड़ा सा था और वो कोहनबुत्सु, आप लोग इसका उच्चारण सही करेंगे, कोहनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था और उसका पेड़ जो है बहुत ही बड़ा था। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो यह तोतो चांद जो है वह अक्सर क्या करती थी, अपने जो वो पेड़ है वो पेड़ पर अक्सर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर वो फिसल फिसल जाती है। लेकिन वो ज़्यादा ऊँचा नहीं था, 6 फुट की दूरी पर ही द्विशाखाएँ थी। यहाँ पर द्विशाखाओं का अर्थ है जैसे यह पेड़ है इसमें शाखाएं बनी हुई हैं, यह द्विशाखा जो है यहाँ पर ये बच्चे जो है आराम से बैठकर खेल सकते हैं, यह बहुत बड़ा स्थान मिल जाता है उनको खेलने के लिए। तोतो चांद अक्सर
इस स्थान पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर के बैठ जाती है। और बैठने के बाद, क्योंकि वह ज़मीन से 6 फुट ऊंचा है, तो उस स्थान से वह आकाश को देखा करती या फिर नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पूछना पड़ता था। तो क्या है, वहाँ के सारे बच्चे जो है, जापान के सारे बच्चे तोमोई जो है, वो उस स्थान में जो बाग है, उस बाग में सारे बच्चों ने अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति बना रखा था। और अगर किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर अगर जाना हो तो उस बच्चे से बड़ी शिष्टता से पूछना पड़ता था, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊँ, ऐसे पूछना पड़ता था, तभी जा करके उसकी आज्ञा लेकर ही वो बच्चे आ सकते हैं। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। तो क्या है, यासुकी चान जो है, जो लड़का है, उसको पोलियो था। इस वजह से क्या है कि वो बच्चा अपने बाग बगीचे में से किसी भी पेड़ को वो अपना निजी संपत्ति नहीं बना सका और ना ही उसका कोई पेड़ था। तो क्या है कि तोतो चान यह सोचती है कि चलो क्यों ना मैं इसे अपने पेड़ पर आमंत्रित करूं। इसका मतलब क्या है कि वो अपना पेड़ पर उसको बुलाना चाहती थी। उसने जो है अपने बड़ों को किसी को नहीं बताया, अगर कोई बड़ा अगर सुन लेता तो दोनों को डांट पड़ती, क्योंकि यह बच्चा पोलियो वाला है, वह कैसे पेड़ पर चढ़ेगा, यह सुनते ही बड़े जो है डांटेंगे। इस वजह से इन्होंने किसी को नहीं बताया था। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। यहाँ शब्द है डेनिन चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की ओर नहीं झांका। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक गया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो क्या है, वह जब घर से निकल रही होती है, तोतो चान जो लड़की है वह निकल रही होती है, उसे पता था कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करने जा रही है। तो वह घर से निकलते वक्त जो है माँ से वह कुछ नहीं कहती है और वह कहती है कि मैं यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही हूँ, जबकि वह झूठ बोल रही थी। वह तो उस बाग में जा रही थी जहाँ यासुकी चांद को पेड़ पर आमंत्रित करने जा रही थी। बच्चे जब झूठ बोलते हैं अपनी माँ से तो क्या करते हैं, उसकी माँ की नज़रों में नहीं देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो तोतो चांद है, वह भी झूठ कह रही थी अपनी माँ से, तो उसने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा और वह जिस प्रकार जूते के फीते बांध रही थी, अपनी नज़रें अपने जूतों पर ही गड़ाई रही और वह वहाँ से निकल गई। उसके पीछे पीछे जो है रॉकी स्टेशन तक आ जाता है और आने के बाद उसको रॉकी को वो बताए बगैर नहीं रह सकती कि वह क्या करने जा रही है। तो रॉकी को उसने बता दिया कि मैं अभी यासुकी चान को आमंत्रित करने जा रही हूँ, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तो क्या है, यासुकी चान दौड़ती हुई जो है वो मैदान की ओर जाती है और जाते समय उसको ऐसे लगता है जैसे कि यासुकी चान मैदान के में क्यारियों के पास ही उसको मिल जाता है। और मिलने के बाद यहाँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ जब होती हैं तो स्कूल के आसपास कोई बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर भी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो स्कूल जो है वह थोड़ा सा सोना सोना सा था। तो यासुकी चान जो है तोतो चान से कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, मतलब यासुकी चान तोतो चान से एक ही वर्ष बड़ा था, लेकिन तोतो चान को ऐसे लगता था कि यह मुझसे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो बच्चे अपंग होते हैं या विकलांग होते हैं, जो वो बच्चे थोड़ा बड़े ही दिखते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े ही दिखा करते हैं।
जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यहाँ पर है शब्द ठिठिया कर। ठिठिया कर का मतलब है वह खुलकर हंसना। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो क्या है, जब यासुकी चान और तोतो चान जब मिलते हैं तो वो क्या करता है, उसको रोकने की जैसे कोशिश करता है और पैर घसीटता हुआ वह चला आता है वहाँ पे। तो क्या है, तोतो चान भी उत्तेजित हो जाती है, वह भी बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों आज ऐसा कुछ करने वाले थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जिसका भेद किसी को भी नहीं बता था। इसका मतलब क्या है कि जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, वो जो है इतनी जोर जोर से हंसने लगे कि दोनों आपस में खिलखिला कर हंस उठते हैं, ठिठिया कर हंस उठते हैं। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले आई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जैसे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो क्या है, तोतो चान क्या करती है, उसे पता है कि वह उस यासुकी चान को अपने से उठाकर नहीं चढ़ा पाएगी, तो वह क्या करती है, दौड़ते हुए जाती है और जो चौकीदार है, चौकीदार के जो कमरे हैं उसके कमरे के पास जो सीढ़ी लगी हुई है, उस सीढ़ी को वह लेके आती है और लेके आने के बाद वो पेड़ के जो तने हैं उससे वह लगा देती है उसको, और वह अब सोचती है कि इसके सहारे यासुकी चान को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। और वह पुकारती है कि अब तुम चढ़ने की कोशिश करो। किसको कहती है, यासुकी चान को। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो क्या है, यासुकी चान जो लड़का है वो उसके हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी भी अपने से नहीं चढ़ पाता था। तो चान क्या करती है, वो फिर नीचे उतर आती है और नीचे उतर करके आने के बाद यासुकी चान को पीछे से धक्का देने लगती है कि शायद मेरी मदद से वह पेड़ की ओर चढ़ पाए। पर तोतो चान जो है वो बहुत छोटी है और यासुकी चान जो है वो थोड़ा सा बड़े हैं, दिख रहे हैं, तो उसको वो खींच नहीं पाती है, उसको वो चढ़ा नहीं पाती है और वो हताश होकर के सर झुका लेती है। सर झुकाना मतलब हताश होना, मतलब निराश होकर के वो अपना सर झुका लेती है और उसे कहती है कि मैं क्या करूँ कि मैं यासुकी चान को बड़े सावधानी के साथ ऊपर तक चढ़ा पाऊँ। तो चान की बड़ी दिली इच्छा थी कि यासुकी चान को अपने पेड़ तक ले जाए और पेड़ के ऊपर चढ़ा करके हम दोनों वहाँ पर बैठे। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। तो क्या है, दोनों बच्चे निराश हो जाते हैं लेकिन जो तोतो चांद है उसके अंदर उत्साह अभी भी भरी हुई है। तो यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था, दोनों के मन में उत्साह था। जब तोतो चांद ने यासुकी चांद को कहा कि पेड़ पर चढ़ते हैं तो वो भी बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके उदास लटके हुए जो चेहरे हैं, जब वो चढ़ नहीं पाया तो उसका जो चेहरा लटक गया था, दुखी हो गया था, उदास हो गया था, तोतो चांद उसको हंसाने के लिए क्या करती है, वो अपने गालों को फुलाती है और तरह तरह से मुंह बना करके उसको चिढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वह हंस पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर दिया। तो क्या है, वह जो है तोतो चान
यासुकी चान को कहती है, तुम यहीं पर ठहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। वह चौकीदार के छप्पर के पास जाकर इधर उधर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तो वह क्या है, दौड़ कर जाती है और चौकीदार के कमरे के पास जाती है और जाकर के सारे सामान को उलट पलट कर देखती है। तो उसे क्या मिलती है, एक तिपाई मिल जाती है। तिपाई एक ऐसी सीढ़ी है जिस सीढ़ी को किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक पैर और रहता है, उससे वो सहारा बना रहता है उसका। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुँच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। तो जो तोतो चांद है वह तिपाई को ला करके फिर वह तने से लगा देती है और कहती है कि देखो यह इसके तीन पैर हैं, डगमगाएगा नहीं। डगमगाएगा नहीं का अर्थ है कि अब गिरने के डर जो है वो बहुत कम है। और वो उस तिपाई को ले जा करके तने से लगाती है जहाँ पर वो द्विशाखा है, जहाँ से वो पेड़ की शाखाएँ दो अलग अलग दिशाओं की ओर जा रही हैं। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तोतो चांद की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो क्या है, यासुकी चांद घबरा जाता है और उसके बाद वह देखता है कि तोतो चांद जो है पसीने से तर बतर सीढ़ी लेकर आई है। तो उसके अंदर ये हौसला आ जाता है कि मैं भी क्यों ना एक सीढ़ी पर पांव रखूं। उसने निश्चय किया और पहली सीढ़ी पर उसने पांव रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगा कर शाखा पर पहुंच गई, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुई शाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो क्या है कि यासुकी चांद को वो पेड़ पर ले जाना चाहती थी, लेकिन वह एक सीढ़ी वह यासुकी चांद सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था। इसे देख करके तोतो चांद की रुलाई छूटने लगी। इसका अर्थ है कि वो उसको रोने जैसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी मेहनत जो है वो बेकार जा रही है। पर वह रोई नहीं, उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तो उसने क्या कहा, उसके जो हाथ हैं यासुकी चांद के हाथ को तोतो चांद पकड़ लेती है और कहती है कि तू लेट जाओ और मैं तुम्हें ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उसे कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने
पेड़ की द्वे शाखा पर थे। पसीने से तर बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो क्या है, बड़ी मशक्कत के बाद दोनों जो है वो द्वि शाखा तक पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद जो है तोतो चांद बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत करती है और कहती है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया, तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। तो क्या है, जब झिझकता हुआ कैसे भी वो खड़ा हो जाता है यासुकी चांद, और खड़े होकर के वह भी बड़े अदब से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और यासुकी चांद को ऐसे लगता है कि यह जो अनुभव है, ये दुनिया में ऐसी झलक उसने कभी नहीं देखा, और ऐसा अनुभव भी उसने कभी नहीं किया कि उसके पेड़ पर उसने एक अपंग बच्चे को चढ़ा लिया है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सोमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तो दोनों गप्पे लगाते हैं तो यासुकी चांद यह कहता है, मेरी जो बहन है वह अमेरिका में है, और वह उसने कहा कि जब मैं अमेरिका चला जाऊँगा तब वहाँ घर बैठे बैठे मैं टीवी देख सकूँगा, और उस टीवी में सोमो कुश्ती देख सकूँगा। और टीवी कैसा है कि एक डब्बे जैसा है, क्योंकि वह उस वक्त टीवी नहीं थे। तोतो चांद उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोच रही थी कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टीवी के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो क्या है, पेड़ पर चढ़ने के बाद जब वो सुमो पहलवान की कहानी जब बताता है कि मैं टीवी पर सुमो पहलवान का जो कार्यक्रम है उसे देखूँगा, तो तोतो चांद जो है वो सोचने लगती है, क्योंकि उसने कभी टीवी नहीं देखा था और टीवी के बारे में उसने सुना नहीं था। पहली बार वो सोच रही है कि ऐसा एक बड़ा पहलवान जो है वो एक छोटे से डिब्बे के अंदर कैसे समा जाएगा। और दोनों जो है वो बातें कर रहे हैं, पेड़ को देखने पर ऐसे लगता है जैसे पेड़ भी इन बच्चों के साथ गीत गा रहे हों, और दोनों बेहद खुश रहते हैं। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ना पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि वह विकलांग था। इस पाठ से जो है बच्चे, लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हम अपने जो साथी हैं, जो अगर हमारे साथ कोई विकलांग बच्चा है, तो हम उनसे हीन भावना ना रखें, उनके साथ सहानुभूति से पेश आए और उनके हर कार्य को करने के लिए हम उनकी मदद करें। और दूसरी एक बात बताने की कोशिश की है कि हम पेड़ों से कैसे प्रेम करें, कैसे हम पर्यावरण से प्रेम करें और पेड़ लगाएं, उस पेड़ को अपनी संपत्ति मानकर उसकी सेवा करें, ताकि वो बड़े होकर के हमें ऑक्सीजन देने का काम करे और हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और तीसरी बात इस पाठ में यह बताने की कोशिश की गई है कि शिष्टता क्या होती है, कि हम किसी से कोई चीज़ अगर मांग रहे हैं तो बड़े अदब के साथ हमें उनसे मांगना चाहिए कि हमें यह कॉपी दे दीजिए या हमें यह कॉपी की ज़रूरत है। हम बड़े प्यार से और अदब से पेश आए, इसी को कहते हैं शिष्टता। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस पाठ में बताया है लेखक ने। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा। इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हम जानेंगे। झिझकता, झिझकता का अर्थ है संकोच करना या हिचकिचाहट होना, किसी को कुछ कहने में हम जो है झिझकते हैं। दूसरा नंबर है आमंत्रित, आमंत्रित का अर्थ है बुलाना, हम किसी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। तीसरा नंबर है ठिठियाकर, ठिठियाकर का अर्थ है कि वो खिलखिलाकर हंसना। चौथा नंबर है धकियाने, जैसे कि
तो चांद जो है वो यासुकी चांद को धक्का दे रही है, इसका अर्थ है धक्का देना, उसको धक्का देकर पेड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है। पांचवा नंबर है हार्दिक। हार्दिक का अर्थ है कि हम हार्दिक रूप से आपका स्वागत करते हैं, इसका मतलब है हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चे इस पाठ में आए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? उसने अथक प्रयास इसलिए किया कि वह यह जानती है कि उसके दोनों पैर दोनों हाथ सही सलामत है, इसलिए वह दौड़ करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन वह अपने साथी जो है विकलांग बच्चे जो है पोलियोग्रस्त जो बच्चा है उसको भी वो चढ़ाने का कोशिश करती है। उसे वो कहती है कि मैं जिस चीज़ को देख रही हूँ उस चीज़ को यासुकी चांद भी पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखे। दृढ़ निश्चय, दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चांद और यासुकी चांद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे? लिखिए। तो क्या है ये जो अनुभव है, यह सही में हमारे पास जो भी अनुभव होता है वो अपूर्व होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह से यह जो यासुकी चांद है उसको यह सफलता मिली कि उसने अपंग होने के बावजूद भी उस पेड़ पर चढ़ करके उस पेड़ के दृश्य को देखा, और जो तोतो चांद है उसका परिश्रम काम आया, उस पर वो परिश्रम करती रही जब तक उसको सफलता नहीं मिली। और इसलिए दोनों का जो अनुभव है वो दोनों ही अलग अलग है। तीसरा नंबर है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि वो सूर्य को ढाँक रहे हैं, और ढाँकने की वजह से क्या है, सूर्य छिप जाता है बादलों के बीच और हमें जो है वो छायादार लगती है, हमें ऐसा लगता है कि हमें छाया मिल रहा है। तो ये जो बच्चे दोनों कोशिश कर रहे थे पेड़ पर चढ़ने की, तो बादल ने भी साथ दिया, बादल जो है वो सूर्य को ढक लेता है ताकि सूर्य का प्रकाश लगकर ये दोनों बच्चे पसीने से तरबतर ना हो जाए। चौथा प्रश्न है, यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था, इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि यह जो है अंतिम मौका इसलिए था क्योंकि सारे बच्चे जो है तोतो चांद की तरह यासुकी चांद को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यासुकी चांद को पेड़ में चढ़ाने के लिए जो है तोतो चांद ने अथक परिश्रम किया था। इसी तरह का परिश्रम अगली बार कोई बच्चा करेगा या नहीं, यह जो है सोचने वाला विषय था लेखिका के लिए। तो इसलिए उसने कहा कि यह जो है एक अंतिम मौका था, या यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ना एक अंतिम मौका इसलिए था क्योंकि तोतो चांद ने बहुत परिश्रम से उसको पेड़ पर चढ़ाया था, और उसने भी बड़े परिश्रम करके उस पेड़ पर चढ़ करके पेड़ के ऊपर से उस दृश्य को उसने देखा। धन्यवाद बच्चों।